टू द शिक्षा धाम बच्चों हमने प्राइस इलासिसिटी ऑफ डिमांड इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और हम क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ गए थे एक्सप्लेन द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग प्राइस इलासिसिटी ऑफ डिमांड तो आइए बच्चे समझते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है बच्चे आप जानते हैं इस चीज को कि कोई भी एक कॉमोडिटी है उस कॉमोडिटी की अपनी एक प्राइस होती है और एक कॉमोडिटी कोई भी है फॉर एग्जाम्पल एक्स तो इस कॉमोडिटी का अपना एक डिमांड भी होगा अब बच्चे प्राइस अगर यहां पे इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट डिमांड पे जरूर पड़ेगा प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में भी इफेक्ट पड़ेगा और आपको पता है किसी कॉमोडिटी की प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हुआ तो प्राइस यहां पर इंक्रीज हो गया तो डिमांड बच्चे क्या होगा यहां पर डिमांड आपका डिक्रीज हो जाएगा और देखें, प्राइस अगर डिक्रीज हो तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो ये आप अच्छे से समझते हैं इस चीज को कि किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से उस कॉम्योडिटी के डिमांड पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है वो भी इनवर्स इफेक्ट पड़ता है है प्राइस में में जिस डायरेक्शन चेंज आता डिमांड में उसके इनवर्स चेंज आता है प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड यहां पर डिक्रीज और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज देर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गिवन कॉम्युडिटी एंड डिमांड ऑफ द

प्राइस में चेंज आने के रिस्पेक्ट में उसके डिमांड में कितने टाइम्स चेंज आया उसको हम प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड कहते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी कॉम्यूडिटी की प्राइस अगर ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज हुई है इसके इफेक्ट में डिमांड जो है फोर्टी परसेंट रिड्यूस हो गया तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है ट्वेंटी परसेंट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या फोर्टी परसेंट तो जो डिमांड में परसेंटेज चेंज आया है ये प्राइस में में परसेंटेज चेंज के रिस्पेक्ट कितने टाइम्स आया तो डिमांड में 40% और प्राइस में 20% तो डिमांड ट्वाइस इफेक्ट हो गया ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना ट्वाइस इसी को प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड कहते हैं अब कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आइए बच्चे इसको एक एग्जांपल से और हम अच्छे से समझते हैं इसको एग्जाम्पल हम समझेंगे कि कोई भी कॉमोडिटी है गुड्स एक्स है बच्चे गुड्स एक्स है और गुड्स एक्स की अपनी एक प्राइस है और इसका अपना एक डिमांड है ठीक है प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में डिमांड में चेंज आएगा और भी पता है आपको इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया और प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बच्चे इस नेचर को जो आप देख रहे हैं कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है डिमांड में उससे कहीं ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ डिमांड देखिए कितना डिक्रीज हुआ और प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ डिमांड कितना बढ़ गया तो जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो डिमांड में परसेंटेज चेंज आ रहा है वो उसके प्राइस में परसेंटेज चेंज से ज्यादा आ रहा है मतलब कि डिमांड काफी सेंसिटिव नजर आ रहा है आपको डिमांड काफी इफेक्ट हो रहा है प्राइस से प्राइस जितना चेंज नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो डिमांड में ही चेंज आ रहा है तो इस तरीके के नेचर का नाम रखते हैं हम इसको हम बोलते इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्लियर है और दूसरा केस ये है मान लीजिए गुड्स एक्सरा प्राइस में चेंज करा लेकिन डिमांड बस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ आपको पता है प्राइस में चेंज करेंगे तो डिमांड में इफेक्ट आएगा और प्राइस ज्यादा डिक्रीज करा तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा डिमांड थोड़ा सा ही इंक्रीज हो पाया तो जहां पर प्राइस में चेंज आने के रिस्पेक्ट में डिमांड में कम चेंज आता है डिमांड में कम चेंज आता है तो इस केस को हम इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बच्चे आपको यहां पर एक चीज क्लियर हुई कि दो तरीके के नेचर होते हैं गुड्स के दो तरीके के बेसिकली नेचर है एक इलास्टिसिटी और दूसरा क्या हुआ आपका इन इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी में क्या होता है कि इलास्टिसिटी का मतलब हो गया डिमांड जहां पे ज्यादा फ्लेक्सिबल है प्राइस के रिस्पेक्ट में उसको इलास्टिसिटी कहते हैं मतलब फ्लेक्सीबिलिटी का होना और जहां पर डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं होता है फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड में कम है डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज आता है प्राइस के रिस्पेक्ट में तो वहां पर हम कहते हैं तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी का होना क्लियर है बच्चे और इन इलास्टिसिटी का क्या मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना तो यहां पर दो तरीके के नेचर होते हैं तो यहां पर आप देखिएगा कि किसी भी कम्युनिटी की डिमांड दो तरीके की होती है एक तो ज्यादा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है या एक तो कम फ्लेक्सिबल नेचर का होता है ज्यादा फ्लेक्सिबल वाले को हम इलासिसिटी कहते हैं और कम फ्लेक्सिबिलिटी वाले को हम इन इलासिसिटी कहते हैं क्लियर है बच्चे so, मैं आया आपको कोई डाउट किसी बच्चे को अब आप देखें यहां पर क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन द फैक्टर फैक्टर का मतलब ऐसे कौन कौन से रीजन हैं विच अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब किन कौन डिसाइड करता है कि इस कॉमोडिटी की डिमांड जो है फ्लेक्सिबल नेचर का होगा इलास्टिसिटी नेचर का होगा या फिर इस कॉमोडिटी का डिमांड जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी या इन इलास्टिसिटी नेचर का होगा ये डिसाइड कौन करता है किन चीजों से ये डिसाइड होता है कि इसकी डिमांड जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी या इस चीज की डिमांड कम फ्लेक्सिबल होगी ये किन चीजों से डिसाइड होता है तो आपको एक्सप्लेन द फैक्टर जिन चीजों से आप डिसाइड होता है उसको क्या नाम दिया है हमने उसको हमने नाम दिया फैक्टर का क्लियर है बच्चे ये चीज क्लियर हुई आपको अब आप देखें यहां पर एक्सप्लेन द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चीजें बच्चे आपको क्लियर हो गई है कोई डाउट किसी बच्चे को क्लियर है बच्चे तो प्राइस आपको क्लियर मतलब है क्या है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब बच्चे पता लग गया क्या है आपका तो फैक्टर ऐसे रीजन बताने हैं जिससे कि फ्लेक्सीबिलिटी डिसाइड होती है अब बच्चे मैं फर्स्ट आंसर इसका ले रहा हूं जरा फर्स्ट आंसर इसका हम देखेंगे फर्स्ट आंसर क्या कहता है ये नेचर ऑफ कॉम्युडिटी नेचर ऑफ कॉम्युडिटी में क्या आता है कि इलासिसिटी ऑफ नेचर ऑफ कॉम्युडिटी बच्चे बेसिकली देखिएगा किसी भी कॉम्युडिटी का यहां पर फर्स्ट है कह रहा है नेचर ऑफ कॉम्युडिटी तो इस चीज को समझिए जरा कि नेचर ऑफ कॉम्युडिटी में हर कॉम्युडिटी के अपना एक नेचर होता है दो तरीके का नेचर होता है इसका या तो ये नेसेसरी होता है मतलब कि कंपल्सरी होता है लोगों के लिए या तो ये लग्जरी होता है तो बच्चे गुड्स का जो है अपने किसी भी को ले लें उसका दो नेचर होता है तो नेचर में दो तरीके की चीजें आती हैं मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूं तो जरा समझेंगे इस चीज को नेचर में दो चीजें आती हैं एक तो नेचर में आपको मिलेगा नेसेसरी और नेचर में एक आपको मिलेगा बच्चे लग्जरी तो बच्चे नेचर में आपको दो चीजें मिलेंगी एक तो आपको मिलेगा नेसेसरी, एक मिलेगा आपको लग्जरी नेसेसरी किसे कहते हैं जरा इसको समझते हैं हम तो बच्चे नेसेसरी का मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए हमारी लाइफ को स्पेंड करने के लिए जो नेसेसरी है जो कंपलसरी है फॉर एग्जांपल फूड मेडिसिन ये सारी चीजें किसमें इस बुक्स आपकी या आपके लिए नेसेसरी है या नहीं है तो गुड्स के कोई भी गुड्स हो उसके दो नेचर होते हैं या तो वो नेसेसरी नेचर का होगा या तो वो लग्जरी नेचर का होगा नेसेसरी नाम से ही क्लियर है कि वो हमें चाहिए चाहिए वेजिटेबल हो फूड हो हमारे लिए स्टेशनरी हो मेडिसन हो क्लियर है तो आप इस चीज को जरा समझिए अब जो चीजें नेसेसरी होंगी हमारे लिए लाइक हमारे लिए व्हीट हो गया या वेजिटेबल हो गया तो नेसेसरी चीजों के प्राइस अगर प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो उसकी डिमांड में जरूर आप चेंज करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी डिमांड में आप बहुत ज्यादा इफेक्ट ले आएंगे थोड़ा बहुत कम करेंगे जो चीज आपके लिए नेसेसरी है उसको तब भी आपको लेना ही पड़ेगा क्लियर है अगर यह हो सकता है कि आपके अगर आपकी डाइट चपाती की है तो आप पे तीन चपाती कंज्यूम कर लो ऐसा नहीं होगा डिमांड तो में प्राइस इवन कितना डाउन भी क्यों ना हो जाए प्राइस अगर बहुत डाउन भी हो जाता है ना तो हम अपनी डाइट को फोर चपाती के जगह पर हम एट चपाती नहीं कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत डिमांड में चेंज करते हैं डिमांड थोड़ा बहुत हम इंक्रीज करते हैं तो आप देखिए जो नेसेसरी नेचर का है ना तो उसके प्राइस में ये नेसेसरी जो नेचर का है उसमें आप देखें प्राइस में जितना चेंज आता है डिमांड में उसके रिस्पेक्ट में कम चेंज आ रहा है प्राइस में जितना चेंज आ रहा है डिमांड में उसके रिस्पेक्ट में कम चेंज आ रहा है तो इसी को हम कम चेंज कम फ्लेक्सिबिलिटी है तो ऐसी कोई भी कॉमोडिटी जिसका नेचर नेसेसरी नेचर है जो हमारे लिए कंपलसरी है उसकी प्राइस में जो भी चेंज करेंगे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी डिमांड में प्राइस के रिस्पेक्ट में कम ही चेंज आ रहा है इस केस में आप कम चेंज आ रहा है मतलब कम फ्लेक्सिबिलिटी है तो इस केस में उस गुड्स का जो डिमांड है वो इन इलास्टी बन जाता है ये थोड़ा स्मूथ आज नहीं चल रहा बट स्मूथ चलता है ये क्लियर है बच्चे तो इसको हम क्या बोलते हैं इन इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम इन इलास्टिसिटी और एक होता है बच्चे हमारे पास में दूसरा पॉइंट नंबर है एक होता है हमारे पास में लग्जरी गुड्स दूसरा होता है लग्जरी गुड्स लग्जरी गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं जो सिर्फ हमारे कंफर्ट को बढ़ाने के लिए हम उसको यूज में ले आते हैं लेकिन ऐसा उसके बिना भी हम सरवाइव कर सकते हैं नेसेसरी गुड्स वो होती हैं जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं बट लग्जरी गुड्स वो होती हैं जो हमारे कंफर्ट को तो बढ़ाती हैं, लेकिन अगर वो ना भी हो तब भी हम इसको सर्वाइव कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं एग्जाम्पल लू लग्जरी गुड्स का अगर मैं इसका एग्जाम्पल लू तो इसके एग्जाम्पल में बच्चे सबसे पहले हमारे लिए एसी एयर कंडीशन आ जाता है ठीक है और इसके लिए हमारे पास में कार क्लियर है बच्चे तो एसी आ गया और कार हो गया तो ये क्या हमारे लिए ये हमारे लिए बच्चे लग्जरी गुड्स हैं खाने में अगर आप देखें तो स्वीट मिठाई आइसक्रीम लग्जरी चीज को, को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं अगर ये एक टाइम हुआ करता था जब ये एसी नहीं हुआ करते थे या कार नहीं हुआ करते थे या फिर आइसक्रीम या मिठाई तो खैर काफी बहुत ही पहले चलता रहा है पर मैं कहने का मतलब है कि ये जब नहीं भी होते तब भी अगर यह हम इसका इस यूज ना भी करें तब भी हम इजिली सर्वाइव कर सकते हैं इजिली सर्वाइवर सर्वाइव जरूर हम कर सकते हैं तो लग्जूरियस गुड्स उसको कहते हैं जो सिर्फ हमारी लाइफ के कंफर्ट को बढ़ाता है बट उसके बिना भी सर्वाइव करना पॉसिबल है उसे हम लग्जूरियस गुड्स कहते हैं कार एसी और स्वीट्स खाने में मिठाई वगैरह क्योंकि आप देखें ये चीजें हमारी लाइफ के लिए तो कंपलसरी नहीं है तो इनके क्या होते हैं अगर इनके प्राइस अगर बढ़ जाए ना अगर इनके बच्चे प्राइस बढ़ जाए तो फिर डिमांड आप देखेंगे एकदम से कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा चेंज आएगा डिमांड में अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा क्लियर है और अगर यहां पर देखें आप प्राइस अगर इनके कम हो तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्यों जब प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो नेसेसरी तो है नहीं मान लीजिए स्वीट खाना है प्राइस आइसक्रीम खानी है देखा प्राइस बढ़ गया से है नहीं हम क्या करते हैं डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकते हैं चलो कोई नहीं बाद में देख लेंगे इतना कोई खास जरूरी है नहीं कार के रेट बढ़ गए तो कार बाय करने का प्लान हमने पोस्टपोन कर दिया एसी के रेट बढ़े वो प्लान भी हमने पोस्टपोन कर दिया कोई जरूरी तो है नहीं बाद में कभी देख लेंगे जरूरी है नहीं तो ईजिली डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं डिमांड को सेक्रीफाइस कर सकते हैं इसलिए प्राइस में हल्का सा इंक्रीमेंट हो तो डिमांड बहुत ज्यादा सेक्रीफाइज हो जाता है और प्राइस थोड़ा सा भी कम हो एसी के रेट गिर गए तो एसी हम खरीद लाते हैं हमें कार की नीड नहीं भी थी पर पता लगा कि कार के रेट काफी गिर गए कार खरीद के लिए आए तो लग्जरियस गुड्स क्या होता है उसके प्राइस अभी हम खाने के बाद मान लीजिए मीठा अगर हम नहीं खा रहे बट रेट ज़्यादा डाउन डाउन हो हो जाए या हो जाए या रेट थोड़ा सा भी भी तो फिर खाने के बाद मीठा ये चीज़ें हम इंक्लूड कर लेंगे अपनी डाइट में तो मेरे कहने का मतलब ये है लग्जूरियस गुड्स की अगर प्राइस ज्यादा है तो छोड़ो यार कोई जरूरी तो है नहीं तो डिमांड बहुत ज्यादा फॉल होती है और प्राइस हल्का सा कम है तो ले लो यार कंफर्ट बढ़ाएगी तो उसको हम ले लेते हैं तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है मेरा मिला के कहने का मतलब मेरा यह है कि प्राइस में जो चेंज आता है उसके रिस्पेक्ट में डिमांड में ज्यादा चेंज आता है इसलिए लग्जरियस गुड्स की जो डिमांड है वो किस नेचर नेचर का का होता होता है वो इलास्टिसिटी है किस नेचर का होता है बच्चे वो इलास्टिसिटी नेचर का होता है क्लियर है समझ रहे हैं इस चीज को तो बच्चे आपने क्या पढ़ा कि किसी कमोडिटी की कि जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है वो किन चीजों से उसकी जो डिमांड फ्लेक्सिबल है या नहीं है फ्लेक्सिबल मतलब इलास्टिसिटी है या फिर इन है ये उस गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है और गुड्स के नेचर जो है वो कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के आपका होता है एक नेसेसरी और एक आपका होता है लग्जरी और आपका जो नेसेसरी गुड्स है आपको पता है आप तो उसको हर हाल में लेंगे ही लेंगे क्लियर है बच्चे जो नेसेसरी गुड्स है उसको तो आप हर हाल में लेंगे ही लेंगे और मतलब प्राइस में चेंज आने के बाद भी डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आता है तो वो गुड्स जिसका नेचर नेसेसरी नेचर का होगा तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी इन इलास्टिक नेचर रहेगी और वो गुड्स जिसका नेचर लग्जरी गुड्स का नेचर रहेगा तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी इलास्टिसिटी नेचर की रहेगी तो सवाल यही था हमारा एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द

रिक्वायर्ड फॉर बच्चे ये बात हुई जिसके जो है जो necessary nature का है उसके प्राइस में में आने से में हम जा कोई खास नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा वो हमारे लिए इन इलास्टिक हो जाएगा एज इट्स रिक्वायर्ड फॉर survival क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड है एंड इट्स डिमांड डज नॉट फ्लेक्चुएट विथ चेंज इन प्राइज क्लियर है

नेक्स्ट क्या कहता है किसी कम्युनिटी का उसी के पॉइंट चल रहे हैं क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर ही है और फोर ये कह रहा है किसी कम्युनिटी की डिमांड कैसे डिसाइड होती है कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है या कम्युनिटी की डिमांड जो है वो कम फ्लेक्सिबल है ये किन चीजों से डिसाइड होती है और ये किन बातों से डिसाइड होती है क्लियर है बच्चे क्लियर है बच्चे कोई डाउट अब आप यहां देखें ये क्लियर है बच्चे कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछे नेक्स्ट है हमारे पास में एबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट बच्चे आप देखिए सब्सिट्यूट क्या होता है उसको जरा आप समझ लीजिए एक बार कि कोई एक गुड्स है उसको मैं यूज में लाता हूं लेकिन वो गुड्स उस समय अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर मैं कोई दूसरे गुड्स को भी अपने उसी पर्पस के लिए यूज में ले आऊं तो दूसरा गुड्स उस गुड्स का क्या हो जाएगा सब्सिट्यूट हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए देखें आप टी और कॉफी टी और कॉफी फॉर एग्जाम्पल टी अवेलेबल नहीं है तो टी की जगह पर मैंने किसको यूज में ले आया मैं कॉफी को यूज में ले आया तो जनरली मैं जिसको यूज करता हूं डेली बेसिस पे वो मेरे लिए ओरिजिनल गुड्स हो गया और कभी कभी जब वो नहीं है अवेलेबल तो उसको जगह दूसरी चीजें मैं उसी पर्पज के लिए यूज में ले आता हूं तो वो मेरा सब्सिट्यूट हो गया तो कोई इस तरीके का टैग नहीं होता है कि ये सब्सिट्यूट है और ये ओरिजिनल है फॉर एग्जाम्पल आप अगर कॉफी कंज्यूम करते हैं आप कॉफी के कंज्यूमर हैं तो कॉफी आपके लिए ओरिजिनल गुड्स हो गया बट कभी कॉफी नहीं मिले तो आप क्या करेंगे आप टी से अपना काम चलाएंगे तो कभी जगह तो तो पर जब को हम यूज में लेकर आते हैं तो दूसरे गुड्स हमारे लिए क्या हो जाती है, हो जाती है। अब सवाल यह है कि किसी गुड्स की फ्लेक्सिबिलिटी वो इस चीज से कैसे डिसाइड होगी कि उसकी सब्सिट्यूट कितनी अवेलेबल है अब बच्चे एग्जांपल लेते हैं देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मान लीजिए कोई गुड्स एक्स है गुड्स एक्स है और इसकी अपनी एक सब्सिट्यूट है एक गुड्स एक्स है ठीक है तो अपना इसका एक प्राइस भी होगा लेकिन इसकी सब्सिट्यूट अवेलेबल है सब्सिट्यूट बहुत सारी हैं सब्सिट्यूट बहुत हैं इसका एक प्राइस है और मैं, मैं एक्स को यूज करता हूं तो प्राइस में इंक्रीज हुआ ना तो इसकी सब्सिट्यूट बहुत सारी है फॉर कोल्ड ड्रिंक देखते हैं आप मार्केट में तो कोल्ड ड्रिंक का क्या देखते हैं आप उसके जो है सब्सिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है अगर एक कोल्ड कितने तरीके के अलग अलग तरीके कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में तो गुड्स एक्स या फिर मैं इसकी कोल्ड ड्रिंक की बात कर सकता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर सकता हूँ तो देखिए अगर इसके प्राइस बढ़ जाए तो उसके सब्सटीट्यूट कितने सारे अवेलेबल हैं बहुत हैं ए बी अलग अलग नाम है सी डी ई बहुत सारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए ना इसका तो कंज्यूमर के लिए क्या होता है कि छोड़ो यार इसके तो बहुत सारे सब्सिट्यूट अवेलेबल है जो हमारे कंज्यूमर होते हैं ना वो क्या करते हैं वो सब्सटीट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि इसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इसके प्राइस थोड़ी सी बढ़ी तो कंज्यूमर इजिली शिफ्ट हो सकते हैं इसके की तरफ तो फिर इस गुड्स के डिमांड साथ में क्या हुआ डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गया क्लियर है वर्सा, अगर प्राइस हल्का सा डाउन हो जाता है इसका तो यही यहां इसके जो कंज्यूमर होते जो इनके कंज्यूमर हैं क्लियर है वो क्या करते इस तरफ शिफ्ट हो जाते तो एकदम से डिमांड क्या होती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गुड्स जिसके सब्सिट्यूट ज्यादा अवेलेबल हैं, वो गुड्स जिसके सब्सिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में इसका मतलब क्या हुआ प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड इजिली कंज्यूमर है डिमांड तो बहुत ज्यादा फॉल होगा प्राइस कम होने से कंज्यूमर इस तरफ आ जाएंगे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डिमांड में एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है तो जिसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट है ऐसा कोई गुड्स जिसका सब्सिट्यूट मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है तो उसके डिमांड जो है वो काफी फ्लेक्सिबल नेचर का आपको मिलेगा वो इलास्टिसिटी नेचर का मिलेगा लेकिन लेकिन कोई गुड्स अगर एक्स है फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ठीक है ना गुड्स है ये प्राइस इसके की बात करूंगा तो नो no सब्सिट्यूट अब सोल्ट तो का कोई नहीं है तो अगर इसके प्राइस इंक्रीज हो गई तो कंज्यूमर वहां जा नहीं सकता है कंज्यूमर को इस, ये नहीं है कि कंज्यूमर इसकी वहां चला जाएगा डिमांड कम हो जाएगी इसके डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और प्राइस अगर कम हो गई तब भी कंज्यूमर इसकी डिमांड को ज्यादा नहीं बढ़ा लेगा तो इसके अवेलेबल तो है नहीं तो प्राइस बढ़ने से भी कंज्यूमर को यहीं पर रहना पड़ेगा तो डिमांड को वो कम नहीं कर सकता है तो यहां पर नहीं है तो में कम चेंज आ रहा है कम फ्लेक्सिबिलिटी है इसलिए इसको बोलते हैं तो कंक्लूजन क्या निकला जिस गुड्स के सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं वो गुड्स आप देखेंगे जिस गुड्स के सब्सिट्यूट अवेलेबल होंगे उस गुड्स को आप देखेंगे किस नेचर का जिस गुड्स के सब्स्टिट्यूट आपके अवेलेबल रहते हैं वो किस नेचर का आप देखेंगे बच्चे क्लियर है बस मुझे एक सेकेंड का टाइम दें क्लियर है बच्चों क्लियर है बच्चों तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको यह चीज समझ में आएगी कि जिस गुड्स की सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो कंज्यूमर के पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है इस चीज की कि वो उसकी डिमांड को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ सके सके उसमें उसको शिफ्ट कर सके. इसलिए वो इलासिटी नेचर का होता है जिसकी सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होती है वो किस नेचर का होता है वो इन इलासिसिटी नेचर का होता है बच्चों किस नेचर का होता है वो इन इलासिटी नेचर का होता है ये चीजें क्लियर है आपको कोई डाउट किसी बच्चे को तो यहां पर अगर आप देखें बात करते हैं इनकम तो क्या कहता है एबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी विद लार्ज नंबर ऑफ सब्सिट्यूट विल बी मोर इलास्टिक जिसके सब जिसके ज्यादा सब्सिट्यूट है वो क्या elasticity है ज्यादा इलासिटी है द रीजन इज दैट इवन अ स्मॉल राइज इन इट्स प्राइस विल इंड्यूस द बायर्स टू गो इट्स सब्सिट्यूट

ऑन द अदर हैंड द कम्युनिटी विद अ फ्यू और नो सब्सिट्यूट लाइक वीट एंड सोल्ट है बच्चे कोई डाउट किसी बच्चे को नेक्स्ट क्या है बच्चे इनकम लेवल अब इनकम लेवल में क्या है कि मान लीजिए लाइक like, मुकेश अंबानी इस तरीके के जो आ, लोग हैं जो काफी रिच क्लास हैं या फिर जिनका इनकम लेवल काफी अच्छा है तो वो प्राइस अगर इंक्रीज हो गई ना तो वो डिमांड को डिक्रीज नहीं करते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास में प्राइस को तो वो देखते ही नहीं ध्यान ही नहीं रखते प्राइस का उन्हें लेना है तो वो लेंगे और प्राइस बात समझ रहे हैं आप तो जिनका इनकम लेवल काफी अच्छा रहता है इनकम लेवल काफी हाई रहता है प्राइस इंक्रीज होने के बाद वो डिमांड को सेक्रीफाइज नहीं करते तब भी डिमांड करते हैं तो डिमांड में प्राइस इंक्रीज हुआ अगर अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो आप खुद बताएं क्या डिमांड वो डिक्रीज करेंगे नहीं डिमांड वैसा ही बना रहेगा तो डिमांड में क्या आ रहा है डिमांड में आप कह सकते हो नो चेंज डिमांड के बारे में आप कह सकते हैं नो no चेंज डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है मेरी बात समझ रहे हैं आप तो डिमांड में क्या आ रहा है डिमांड में बच्चे नो no चेंज तो जब डिमांड में नो चेंज आता है जिनका इनकम लेवल काफी अच्छा होता है तो डिमांड में जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो उसको हम इन इलास्टिक नेचर का कहेंगे तो जिसके इनकम का लेवल अच्छा होता है ना वो इन इलास्टिक नेचर उसके लिए किसी कम्युनिटी की डिमांड इन इलास्टिक है और जिसका इनकम का लेवल कम होता है ना जो इतने अच्छे इनकम नहीं है जिनके तो वहां पर आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाए तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं बहुत ही कम कमाते हैं ये चीज महंगी हो गई तो वो उस चीज से हाथ जोड़ लेते हैं जी हम आपको नहीं खरीद पाएंगे तो एकदम से डिमांड का जाता है इस का कम हो जाता है। तो अगर किसी कंज्यूमर के इनकम लेवल कम है तो उसके लिए, वो उसके लिए लिए को वो गुड्स जो है वो इलास्टिसिटी नेचर का होगा क्योंकि वो ज्यादा डिमांड में फ्लेक्सिबल करेगा तो बच्चे किसी भी कॉम्युडिटी की डिमांड जो है इलासिटी नेचर का होगा या इन इलासिटी नेचर का होगा ये किन चीजों पे डिपेंड करता है ये इनकम लेवल पे भी डिपेंड करता है अगर हाईली इनकम लेवल है तो वो डिमांड में चेंज नहीं करना पसंद करेगा तो वहां पर इलासिटी है क्लियर है और लो लेवल ऑफ इनकम इलासिटी ऑफ डिमांड फॉर अम्युनिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप इन कंपेरिजन टू पीपल विद लो इनकम इट हैपन्स क्या कह रहा है रिपीट कर देता हूं देखिए इलासिसिटी ऑफ डिमांड अंडरलाइन करें थोड़ा डार्क कर लेते हैं और चीजों को यही ठीक है इलासिसिटी ऑफ डिमांड फॉर क्लियर है बच्चे ठीक है देखिए इलासिसिटी

कम डिमांड होती है हायर इनकम वालों की इट बिकॉज रिच पीपल आर नॉट मच बाय चेंज इन द प्राइज ऑफ द गुड्स बट पुअर पीपल आर हाईली अफेक्टेड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइज ऑफ द गुड्स एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर अ लोअर इनकम ग्रुप इज हाइली इलास्टिक क्लियर है बच्चे कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लीजिए चलिए फिर नेक्स्ट पे आए क्लियर है बच्चे कोई डाउट तो बच्चे आप कमेंट करें अब मैं डेली आपकी क्लासेस लूंगा तो लेकिन मुझे आपके कमेंट की नीड है जिससे कि मैं कंटिन्यू आप लोगों से जुड़ा रहूं प्लीज कमेंट करें सारा कोर्स करवाऊंगा मैं एक से डेढ़ महीने के अंदर पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा आपका रेगुलर बेसिस पे तो आप थोड़ा सा कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं जो बच्चे लाइव हैं कौन कौन से बच्चे लाइव हैं जरा बताइए यहां पर लाइव दिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ठीक है बच्चों अब फिर मैं लेवल ऑफ प्राइस इस पे आएंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम अब अच्छे से कवर करेंगे आपकी क्लासेस डेली होंगी अब डेली आपका लाइव सेशन है ध्यान रखिएगा फोर थर्टी टू फाइव थर्टी डेली क्लासेस होंगी आपकी ठीक है क्लियर है थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच वेलकम टू द शिक्षा धाम बच्चे हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर फोर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर में अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको ये सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है आप इन सभी को अपनी क्लासेस पे देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं आप लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट किया था हमने और क्वेश्चन नंबर फोर बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एक सेकंड टाइम दे मुझे लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर फोर था हमारा एक्सप्लेन द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें हमने ये समझा था बच्चे कि कोई भी एक कॉमोडिटी है कि अपनी एक प्राइस होती है और उसका अपना एक डिमांड होता है और उसके अपने प्राइस में चेंज आने की वजह से उसके डिमांड इफेक्ट होता है अब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्राइस में जितना भी चेंज कर रहे हैं डिमांड इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है ज्यादा फ्लेक्सिबल है ज्यादा उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं प्राइस से कंपेटिवली तो वहां पर हमने नाम रखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जहां पर कमोडिटी की प्राइस में चेंज करने के बाद उसके डिमांड में बहुत ही कम चेंज आता है या फिर चेंज नहीं भी आता है तो इस तरीके के नेचर को जहां पर कम फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है उसका नाम रखा है हमने ऑफ डिमांड क्योंकि इलास्टिक का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल होना और इन इलास्टिक का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना तो बच्चे ये क्वेश्चन यही है क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका मतलब यह है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है हैं जिससे प्राइस लासिटी इफेक्ट होती है तो यहां पर हमने पढ़ लिया था एबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इनकम लेवल पढ़ लिया था हमने ये अब हम आगे थे लेवल ऑफ प्राइस। बच्चे वो गुड्स जिसका प्राइस बहुत ही कम हो बहुत सस्ता हो जैसे कि न्यूज़पेपर, पेपर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका लो लेवल ऑफ प्राइस होता है लो लेवल ऑफ प्राइस होता है कोई कोई चीज एग्जाम्पल के लिए अगर आप जानना चाहें सर एग्जाम्पल बताइए तो फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर आपका क्लियर है बच्चे मैच बॉक्स हो गया आपका पेन हो गया इन सब इनका प्राइस क्या रहता है कम रहता है तो बच्चे न्यूज़पेपर पेन इनके प्राइस में अगर चेंज आ जाए न्यूज़पेपर 50 पैसा महंगा हो जाए पेन 50 पैसा महंगा हो जाए 50 पैसा तो इसके प्राइस में चेंज का हम कोई खास अपने डिमांड पर इफेक्ट नहीं आने देते हैं क्योंकि बहुत ही जिसकी प्राइस कम होती है जो लो लेवल प्राइस होता है उसके चेंज भी काफी लो होता है अब ऐसा नहीं होता है कि एक रुपए की चीज एक हजार रुपए की हो गई है कोई एक रुपए की चीज है तो वो दो रुपए की हो जाएगी या वो डेढ़ रुपए की पचास पैसे उस पर बढ़ जाएगा यही रहेगा ज्यादा जा ज्यादा तो जिनकी प्राइस काफी लो रहती है ना तो चेंज इन प्राइस भी काफी कम आता है उसमें तो जब इनके जो लो लेवल ऑफ प्राइस होता है ना तो प्राइस में क्या होता है चेंज इन प्राइस जो है वो भी काफी कम रहता है तो इतना कम प्राइस में चेंज को हम क्या कर सकते हैं इसको हम अवॉइड कर सकते हैं इस चेंज को नेगलेक्ट कर सकते हैं पचास पैसे एक रुपए को तो ये प्राइस कोई खास उसकी डिमांड पर इफेक्ट नहीं डालती है तो डिमांड कैसा रह जाएगा इन इलास्टिक कैसा रहेगा इन इलास्टिक क्लियर है बच्चे और वो चीजें जिनकी प्राइस लेवल काफी हाई रहती हैं वो चीजें जिनकी प्राइस काफी हाईली हाई प्राइस देखने को मिलता है हाई लेवल ऑफ वो जिनकी प्राइस काफी ज्यादा होती है तो लाइक ए सी हो गया कार हो गया अगर इनके प्राइस में भी चेंजेस आता है ना इनकी प्राइस काफी ज्यादा होती है जो फॉर एग्जांपल एसी एयर कंडीशन है थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज इस तरीके और इनकी प्राइस में चेंज इन प्राइस जो देखने को मिलेगा आपको जो प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा आपको काफी ज्यादा मिलेगा फॉर एग्जाम्पल चेंज इन प्राइस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पांच हजार चार हजार तीन हजार तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं ऐसा ऐसे चेंजेस प्राइस में चेंज आने से क्या होता है डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है तो जो चीजें प्राइस ज्यादा होता है उसके अंदर चेंज इन प्राइस भी ज्यादा होता है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए उसके डिमांड में ज्यादा फ्लक्चुएशन आता तो है इलासिसिटी कहते हैं तो यहां पर आपको अभी तक यह बात क्लियर हुई ये कि लो लेवल ऑफ प्राइस है लो लेवल ऑफ प्राइस है तो लो लेवल ऑफ प्राइस में आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे डिमांड में जो है चेंज बहुत ही कम आता है तो इसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक क्लियर है और जो हमारे पास में हाई लेवल ऑफ प्राइस होता है हाई लेवल ऑफ प्राइस जो बच्चे देखने को मिलेगा आपको उसमें जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट होता है तो ये होता है हमारा इलास्टिसिटी नेचर का, का होता है ये हमारा किस नेचर का होता है ये हमारा इलास्टिसिटी नेचर का होता है तो आपका लेवल ऑफ प्राइस जिसका लेवल अच्छा होता है वो वो इलास्टिटी नेचर का होता है लेवल कम होता है लो लेवल ऑफ प्राइस होता है उसका इन इलास्टिक होता है क्यों बता दिया मैंने इसको अच्छे से इस बात क्लियर है आपको क्लियर है बच्चे क्लियर है बच्चे कोई डाउट तो मुझसे प्लीज पूछे क्लियर है बच्चे कोई डाउट बस एक सेकंड मुझे लिंक है आप लोगों के बीच में सेंड कर दीजिए हाँ जी बच्चे देखें आगे नेक्स्ट है हमारा तो क्या कहता है ये ये बच्चे कहता है हमसे कहता है लेवल ऑफ प्राइस आल्सो अफेक्ट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी प्राइस का लेवल भी उसकी इलास्टिटी मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नेचर को अफेक्ट करता है कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप इलास्टिक ये ज्यादा इलास्टिक होती है क्योंकि इसके प्राइस पे क्योंकि कॉस्टली चीजें हैं प्राइस में चेंज भी आएगा तो ज्यादा चेंज होगा वो वो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उससे उसके डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा तो डिमांड पे जब ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो डिमांड फ्लेक्सिबल है तो हाईली इलास्टिक है

पोस्टोन्ड ऑफ कंजम्पशन। बच्चे कुछ गुड्स हमारी ऐसी होती हैं, कुछ गुड्स हमारी इस तरीके की होती हैं जिसकी कंजम्पशन को हम क्या कर सकते हैं पोस्टपोन्ड कर सकते हैं कुछ गुड्स इस तरीके की होती हैं। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसके डिमांड को हम क्या कर सकते हैं पोस्टोन कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आ, घर बनवाना है तो इस साल भी आप बनवा सकते हैं या तो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर चार पांच साल बाद भी, भी बनवा सकते हैं ए एयर कंडीशन ए लगाना है तो इस ईयर लगा सकते हैं 2021 में या फिर हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं जो नेसेसरी नहीं है हमारे लिए हर हाल में तो उनकी डिमांड को हम क्या कर सकते हैं पोस्टपोन्ड कर सकते हैं जिसको हम अभी भी यूज कर ले तो बेटर है नहीं तो अभी भी यूज में नहीं आएगा तो फ्यूचर में भी इसको यूज कर सकते हैं लेकिन जैसे फूड हो गया खाना आपको चाहिए चाहिए इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते कल खाएंगे और कल को पोस्टपोन करके बोल दिया अपने परसों खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं वो तो हमें चाहिए तो दो तरीके की गुड्स होती है एक तो वो जिसको आप पोस्टपोन्ड कर सकते हो डिले कर सकते हो एक वो जिसको आप डिले नहीं कर सकते हैं तो वो गुड्स जिसको आप डिले कर सकते हो पोस्टपोन कर सकते हो वो गुड्स जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं जिनको आप पोस्टपोन कर पाओगे जिन गुड्स को उन गुड्स के साथ में आपको देखने को मिलेगा कि उनके प्राइस में उनके प्राइस में चेंज अगर आ जाए तो फिर आप सोचेंगे डिमांड जो है अभी नहीं करना फिर आप क्या सोचेंगे डिमांड जो है वो अभी नहीं करना डिमांड बाद में ही करेंगे तो डिमांड कम कर दोगे फॉर एग्जाम्पल ए ज्यादा महंगे हो रहे हैं सोचेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है है जब थोड़े रेट गिर जाएंगे या विंटर का वेट करेंगे और हम उस समय ले लेंगे मकान बनाना है, तो रॉ मटेरियल लेबर के रेट काफी ज्यादा हो गए हैं अब हमने अपना प्लान पोस्टपोन कर लिया कि चलो कोई बात नहीं इस साल नहीं अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे गोल्ड लेने गए तो पता लगा गोल्ड जो है फिफ्टी थाउजेंड रुपीस पर टेन ग्राम हो गया है तो पोस्टपोन के लिए रेट नॉर्मल होंगे तब ले लेंगे क्योंकि इसको हम कर सकते हैं। तो डिमांड आप तो आपको को चलो बाद में तो एयर उस कंडीशन लेने का इस समय आपका कोई भी प्लान नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो फिर अगर उसके एसी के प्राइस अगर वही कम हो जाए डिस्काउंट मिल जाए चार हजार पांच हजार कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो अभी उसकी डिमांड आप जनरेट कर दोगे घर बनाने का प्लान नहीं है बट कुछ मेटेल के रेट या लेबर वगैरह काफी सस्ते हो जाए तो जो आपको चार साल बाद बनने वाला था उसको आप अभी बनाने लग, लग जाओगे तो वो डिमांड हो सकती है है लग्जरी गुड्स अंदर आ सकता है आपके लिए वो इसकी डिमांड आप पोस्टपोन्ड कर सकते हो मिठाई है अभी नहीं चलो यार बाद में भी खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लग्जरी गुड्स आती है तो इसको पोस्टपोन जिसके डिमांड को आप कर सकते हैं तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बाद में देखें डिमांड कम प्राइस कम हुई तो चलो अभी ले आते तो डिमांड ज्यादा तो प्राइस में चेंज होने का डिमांड पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसलिए इसको हम इलास्टिसिटी कहेंगे क्या कहेंगे इसको इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी नेचर का इसको हम कहेंगे क्लियर है बच्चे आपको कोई डाउट बच्चे तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी नेचर का अब देखेंगे वो जिसके डिमांड को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते दूसरी तरफ वो देख लीजिए जिसकी डिमांड आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं लाइक फूड जिसकी डिमांड को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा उस केस में आप देखेंगे अगर प्राइस अगर बढ़ जाए देखें तो प्राइस बढ़ गया फूड है मैं इसको ये नहीं कह सकता कि चलो आज नहीं कल थोड़ा इसका रेट कम हो जाए तब हम वेट करेंगे नहीं मुझे उससे में चाहिए चाहिए तो इसकी डिमांड को आप कम नहीं कर पाएंगे इसकी डिमांड को बच्चे आप क्या आप इसकी डिमांड को कम नहीं कर पाएंगे तो इस केस में अगर आप देखें तो आपको डिमांड उसकी करनी ही पड़ेगी ये चीजें क्लियर है आपको समझ बच्चे आपको तो इस तरीके की जो चीजें हैं अगर आप देखें तो आपके पास में डिमांड उतनी करोगे तो इसके डिमांड में चेंज नहीं आया इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक नेचर का बोलेंगे इसको हम इन इलास्टिक नेचर का बोलेंगे ठीक है बच्चे क्लियर है तो यहां पर आप देखिएगा पोस्ट ऑफ कंजम्पशन कॉमिटीज लाइक बिस्किट्स देखिए कॉम्युडिटी लाइक बिस्किट सॉफ्ट ड्रिंक्स हुज डिमांड इज नॉट अर्जेंट हैव हाईली इलास्टिक जिसकी डिमांड अर्जेंट नहीं है चाहिए चाहिए तो हाईली इलास्टिक होती है डिमांड एज देयर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन इन केस ऑफ एन इंक्रीज इन देयर प्राइस हाउ एवर कॉम्युडिटी विद द अर्जेंट डिमांड लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स दवाई मेडिसिन कुछ गुड्स बच्चे आपको कुछ इस तरीके के भी मिलेंगे कुछ गुड्स जिसके नंबर ऑफ यूजिस क्या होते हैं बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ नंबर ऑफ यूजिस होते हैं कुछ गुड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके नंबर ऑफ यूजिस बहुत होते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अगर आप तो मिल्क बच्चे जो मिल्क है इसके क्या है नंबर ऑफ यूज़ेस बहुत ज्यादा है इस मिल्क को आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं इस मिल्क को आप स्वीट्स में यूज कर सकते हैं आप कोड में यूज कर सकते हैं आप इस मिल्क को मिल्क को आप और भी चीजों में आप जो है इस चीज को आप यूज कर सकते हैं तो मिल्क का मल्टीपल्स यूजेस है एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी का मल्टीपल्स है तो वो गुड्स जिसके uses है, number of uses बहुत ज़्यादा है। वो जिसके several uses भी आप सकते हैं। इसके क्या है? several uses है. इसके बच्चे क्या है, है. सेवरल यूजेस है? है मैं थोड़ा सा नहीं मार्कर थोड़ा प्रॉपर नहीं चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा उसको द्वारा अपलोड करता हूँ तो देखें बच्चे यहां पर आप देखेंगे बच्चे यहां पर नंबर ऑफ यूज़ेस तो जिसके फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया मिल्क अब आप मिल्क देखिए तो मिल्क के क्या है नंबर ऑफ यूज़ेस बहुत है सेवरल यूजेस है मिल्क के सेवरल यूजेस है तो बच्चे इसके जो सेवरल यूजेस आप देख पा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि अगर इसके प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाए तो इसकी डिमांड है ना हम हर डिफरेंट मिल्क की प्राइस बढ़ जाए तो हम इसकी जो है बटर में डिमांड सब चीजें एक्सपेंसिव हो जाएगी तो इसकी डिमांड हर तरफ से कम हो जाएगी थोड़ी थोड़ी चाहे वो बटर हो चाहे वो स्वीट्स हो या फिर वो कुछ भी हो या फिर कोड हो सब में इसकी डिमांड कम होगी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाए मिल्क के तो ऑल ओवर आप देखेंगे हम मिठाइयाँ भी कम कंज्यूम करने कोड भी हम कम कंज्यूम करने जाएंगे, हर चीजों की तरफ से। है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी यूज में नहीं कर रहे हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ जाते हैं प्राइस बढ़ जाता है तो उसको हम इसके सेवरल यूजेस हैं बाकी जगह पर जहां नेसेसरी नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना हम

तो वहां डिमांड ऑल ओवर बढ़ जाती है तो सेवरल यूज जिसके हैं उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी क्लियर है बच्चे अब देखिए क्या कह रहा है और वो जिसके मल्टीपल सब यूज नहीं है यूज है तो उसका प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो उसके पास में हम जो है उसकी डिमांड कोई हर तरफ से कम तो होगी नहीं तो ज्यादा कुछ खास कम नहीं कर पाएंगे तो उसकी डिमांड कम चेंज होगा इलास्टिक होगा इफ द कॉम्योडिटी अंडर कंसिडरेशन यूजेस डिमांड विल बी इलास्टिक वेन प्राइस ऑफ अच्छा देन इट इज यूज टू बी सेटिस्फाइंग इवन लेस अर्जेंट नीड्स जब प्राइस कम होती है तो इसको ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करी वहां पर भी इसको हम यूज करने लग जाते हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज अ मल्टीपल यूज कॉम्युडिटी

कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत ही छोटा हिस्सा खर्च होता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं काफी स्मॉल शेयर जाता है हमारी इनकम कुछ गुड्स ऐसी होती हैं क्लियर है बच्चे कुछ गुड्स इस तरीके की होंगे जहां पर इनकम का हमारा ये इनकम है कुछ गुड्स ऐसी होंगी हमारे इनकम का जो है लार्ज शेयर जा रहा है कुछ गुड्स हमारे इनकम का कुछ गुड्स पे लार्ज शेयर जाता है और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसपे हमारी इनकम का स्मॉल शेयर जाता है तो दो तरीके की होती हैं लार्ज स्मॉल शेयर लाइक आपका नीडल्स नीडल्स हो गया मैच बॉक्स हो गया न्यूज पेपर हो गया ये example है तो बच्चे जिस पर आपके इनकम का बहुत मामूली सा हिस्सा कितना खर्च होगा महीने का सब मिला हिस्सा खर्च होता है तो अगर इनके प्राइस में चेंज आ जाए न्यूज़पेपर के प्राइस में नीडल्स के प्राइस में मैच बॉक्स के बूट पॉलिश इनके प्राइस में चेंज भी अगर आ गया तो कितना चेंज आ जाएगा बहुत ही मामूली सा चेंज आएगा न्यूज में पचास पैसा आएगा रुपया बूट पॉलिसी एक रुपए डेढ़ रुपए तो इनके प्राइस में चेंज भी अगर आएगा तो बहुत मामूली सा चेंज आएगा, जिस पे आपके का बहुत कम खर्च हो रहा है तो डिमांड तो में, तो में चेंज नहीं आ रहा है तो ये हो गया इन इलास्टिक तो जिस गुड्स पे हमारे इनकम का एक छोटा सा शेयर जाता है स्मॉल शेयर जाता है उनके डिमांड इन इलास्टिक होती है क्योंकि उनके प्राइस में चेंज होने का उनके डिमांड पर हम कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन जिस पे लार्ज शेयर खर्च होता है तो वहां पर प्राइस में चेंज आया तो बहुत ज्यादा हमारे हमें इसका इफेक्ट पड़ेगा जिस हमारी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा इस पे लगता है तो हमारे इनकम का बहुत ज्यादा शेयर का इस इफेक्ट पड़ेगा तो इसलिए हम उसकी डिमांड को चेंज करेंगे तो यहां पर इलास्टिक होता है तो ये इसमें इन इलास्टिक होता है और इसमें इलास्टिक होता है प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम दैट इज द स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर कॉम्यूडिटी आल्सो इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट क्या कह रहा है परपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम दैट इज स्पेंड ऑन पर्टिकुलर कम्युनिटी जो खर्च होती है वो भी इंफ्लुंस करती है कि इसकी डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी या कम फ्लेक्सिबल रहेगी ग्रेटर द परपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कॉम्युनिटी मोर इज द इलास्टिक ऑफ द डिमांड फॉर इट वाइस वर्सा क्लियर है बच्चे so, आपको यह, कोई डाउट अब एक बच्चे हो गया हमारे पास में हैबिट्स बच्चे अब आप देखें अब हमारा क्या हो गया अब हमारी जो है यहां पर हैबिट्स हो गई हैं अब हैबिट्स में देखेंगे आप कॉम्योडिटीज ऐसी चीजें है जिसकी हमें हैबिट्स हो जाती है आपको जिसकी हैबिट हो जाए फॉर एक्जाम्पल हम एल्कोहल सिगरेट टबैको ये चीजें लें जिनकी लोगों की हैबिट होती है इसके प्राइस अगर बढ़ भी जाए ना तो लोग इसकी डिमांड में चेंज नहीं करते हैं। तब भी वो डिमांड करेंगे करेंगे अगर हैबिट है तो अभी देखिएगा पहले कुछ सालों में सिगरेट जो आठ दस की हुआ करती थी फिर वो रेट बढ़ते बढ़ते हर बार देखते हैं आप जब भी बजट आता है तो गवर्नमेंट इन चीजों के टैक्स को बढ़ा देती है अभी एक अगर मैं करंट एग्जाम्पल लू तो करंट एग्जाम्पल में देखिएगा अभी लॉकडाउन के अंदर दिल्ली के अंदर अप्रोक्सिमेट जो लिकर है जो एल्कोहल है उसके प्राइस डबल हो गए थे तो क्या लोगों ने पीना छोड़ दिया था लोगों ने उसका डिमांड तब भी किया क्योंकि वो क्या लोगों के लिए नेसेसरी है नेसेसरी बना लिया लोगों ने अपने लिए क्योंकि वो लोगों की हैबिट हो चुकी है तो ऐसी चीजें जो लोग हैबिट में आ जाती है उसके प्राइस देखिए कितना प्राइस बढ़ा लिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना बट डिमांड में क्या चेंज आया डिमांड में कोई चेंज आया कोई खास चेंज नहीं आया तो इसका नेचर क्या होता है इन इलास्टिक नेचर का होता है

अभी हमने क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट कर लिया है अब हमारे पास में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे